हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एक अनोखी मूवी है और शायद ही कभी ऐसी मूवी कोई दोबारा बनाएगा। और इस मूवी का नाम है अपोकैलिप्टो। मूवी के शुरुआत में हमको एक आदिवासी कबीले वाले को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी उस कबीले वालों के द्वारा लगाए गए फंदे में वो सुअर टकरा जाता है। उस फंदे के साथ जुड़ी एक बड़ी सी लकड़ी में नुकीले नुकीले लकड़ियां लगी हुई होती है, जो कि सीधे आकर सुअर से टकरा जाता है और सुअर का वहीं पर मौत हो जाता है। कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सुअर को वहीं पर काटने लगते हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम है जगुआर, जो कि उस कबीले का सरदार का बेटा है, उसको ऐसा लगता है कि उनके पीछे झाड़ियों में कोई है। और जगुआर झाड़ियों की तरफ देखता है और पूछता है, तुमको क्या चाहिए? और तभी झाड़ियों में से दूसरे किसी कबीले के कुछ आदिवासी लोग निकलते हैं और इनके सामने बड़े बड़े मछलियाँ रख देते हैं और इनसे अनुमति मांगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से गुजर सकें। और जगुआर भी उनको शिकार का एक बड़ा सा टुकड़ा दे देता है। और ये सब इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये इनका रीति रिवाज होता है। और तभी झाड़ियों में से एक एक करके उस कबीले के बहुत सारे लोग निकलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से बहुत लोग घायल होते हैं और जगुआर इसका कारण उनसे पूछता है, तो उनमें से एक बताता है कि अब हमारा कबीला नहीं रहा, पूरी तरह से तबाह हो गया, हम एक नई जगह के तलाश में जा रहे हैं। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए जगुआर उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसका पिता, जो कि उस कबीले के सरदार है, उसको रोक लेते हैं। लेकिन उनको देखकर जगुआर समझ गया होता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर ये लोग अपने कबीले में लौट जाते हैं। अब रात हो जाता है और सब लोग सो रहे होते हैं। और तभी जगुआर देखता है कि वो सुबह जिस आदमी से मिला था, वो खुद ही अपने शरीर को चीर कर अपनी अंतड़ियों को बाहर निकल रहा था। और तभी जगुआर का नींद खुल जाता है क्योंकि ये एक बुरा सपना था और उसको लगता है कि जैसे उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और तभी बाहर दूसरे किसी कबीले के भयंकर दिखने वाला एक आदिवासी को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों को इशारा करता है और उसके लोग हाथों में मशाल लेके झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर आता है और वो जलते हुए मशालों को देख लेता है और वो जल्दी समझ जाता है कि कुछ खतरा है। वो अपना बेटा और बीवी, जो कि प्रेग्नेंट है, उनको लेकर एक कुएं के पास चला जाता है और रस्सी की मदद से उनको धीरे धीरे कुएं के अंदर छोड़ने लगता है। उधर वो लोग उनके कबीले के अंदर जा चुके थे और सबको मार रहे थे। और तभी उनमें से एक जगुआर को देख लेता है और उसको मारने के लिए उसके पास आने लगता है। और इससे पहले कि वो कुछ करता, जगुआर उसको मार देता है और अपने लोगों को बचाने के लिए उनके पास चला जाता है। और जाते जाते अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो जल्द लौट आएगा। जगुआर जब तक अपने लोगों के पास पहुंचता है, तब तक वो लोग जगुआर के कुछ लोगों को मार दिए होते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बना चुके होते हैं। और जगुआर देखता है कि उसके पिता, जो कि उनके कबीले के सरदार है, वो अपने लोगों के लिए उन हमलावरों से लड़ रहे थे। और उनमें से एक खूंखार आदिवासी जगुआर के पिता को मारने ही वाला होता है कि जगुआर उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने पिता को बचा लेता है। और फिर दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होता है और उसी के चाकू से उसको मारने ही वाला होता है कि पीछे से वो आदिवासी का सरदार आ जाता है और जगुआर को बंदी बना लेता है। तभी जगुआर देखता है कि उसका पिता भी वहाँ पर बंदी बने हुए हैं और इसीलिए वो अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। और ये बात वो सुन लेता है जो जगुआर के ऊपर हमला किया था और जगुआर के सामने ही उसके पिता को वो मार देता है और जगुआर के ऊपर भी एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे जगुआर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके पूरे कबीले में आग लगा दी गई है
और उसके पूरे कबीले वालों को बंदी बना लिया गया है। जागुआर कुएं की तरफ देखता है जहां पर उसका बेटा और पत्नी को वो छुपाया था, और उसको उस तरफ देखते हुए सरदार का बेटा देख लेता है और वो कुएं के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक रस्सी लगा हुआ है जो कि कुएं के अंदर तक गया हुआ है। उसका शक होता है और इसीलिए वो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, लेकिन उससे पहले जागुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर में एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, और इसीलिए उस सरदार के बेटे को यकीन हो जाता है कि कुएं के अंदर में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस रस्सी को काट देता है और वहां से चला जाता है। अब चाहकर भी जागुआर की पत्नी और बेटा उस कुएं से बाहर नहीं आ सकते। अब वो लोग जागुआर और उसके लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उनको रास्ते में वो लोग भी मिलते हैं जो उस दिन उनको जंगल में मिले थे। उन लोगों को भी ये लोग बंदी बनाकर उनके साथ ले जा रहे थे। बहुत सारे जंगल, नदी और ऊंचे ऊंचे पर्वत को पार करके ये लोग जा रहे थे, और रास्ते में इनको एक कबीला दिखता है जहां पर सिर्फ लाश और लाश है। किसी अनजान महामारी की वजह से वहां पर कोई भी जिंदा नहीं है, बस एक छोटी सी बच्ची जिंदा है जो कि इनके साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसको अपने साथ नहीं लाते हैं और उधर ही छोड़ देते हैं। और तभी वो लड़की इन लोगों को एक भविष्यवाणी करती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम लोगों को यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा साम्राज्य को भी खत्म कर देगा। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनको एक जगह मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर काम करवाया जा रहा होता है। उन लोगों का हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उन लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये इन लोगों को यहाँ से भी आगे ले जाते हैं, और फिर इनका सरदार इन लोगों को लेकर एक दलाल के पास जाता है जो कि इंसानों को खरीदता है और उनसे काम करवाता है। इनका सरदार अपने साथ जितने भी महिलाओं को लाया था उनको बेच देता है और बोलता है इस बार ज्यादा पैसा देना, और बाकी जितने भी पुरुष थे उनके शरीर में एक नीली कलर का लेप लगाया जाता है, और उनको वहां से आगे उन लोगों का मंदिर के पास ले जाया जाता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हुए थे। आज इन लोगों को बलि चढ़ाया जाएगा क्योंकि ये इनका रीति रिवाज होता है, और इनका मानना यह है कि इंसानों को बलि चढ़ाने से ईश्वर खुश होते हैं। वो लोग जागुआर का एक साथी को ले जाते हैं और चाकू से उसका शरीर को चीर देते हैं, उसका दिल निकालकर अपने ईश्वर को अर्पण करते हैं, और उसके बाद उसके सर धर से अलग कर देते हैं और मंदिर से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद जागुआर का और एक आदमी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और फिर जागुआर का बारी आता है और वो लोग जागुआर का दिल निकालने ही वाले होते हैं कि तभी सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है, यानी अशुभ समय शुरू हो जाता है, और इसीलिए इन लोगों को इनका ये प्रक्रिया को बंद करना पड़ता है और जागुआर को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है और कुछ समय के लिए चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जागुआर और उसके साथ बचे हुए लोगों को वो लोग एक खुले मैदान में ले जाते हैं जिसके दूसरे तरफ जंगल होता है, और उनमें से दो लोगों का हाथ रस्सी से खोल लेते हैं और उनको जंगल की तरफ भागने के लिए बोलते हैं। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो पीछे से वो खूंखार आदिवासी लोग उनके ऊपर तीर, भाले और दूसरे दूसरे हथियार सब फेंकने लगते हैं, और इसी तरह से वो लोग जागुआर के लोगों को मारने लगते हैं, और अगर कोई बच जाता है तो मैदान के आखिर में सरदार का बेटा उसका जान ले लेता है। और अब जागुआर और उसका और एक दोस्त को भागने के लिए बोलते हैं और पीछे से उनके ऊपर तीर भाले फेंकने लगते हैं। जागुआर का दोस्त मारा जाता है और एक तीर जागुआर का शरीर में भी लगता है, लेकिन जागुआर बच जाता है। और तभी सरदार का बेटा जागुआर को मारने के लिए आता है, लेकिन जागुआर का एक दोस्त जो वहां पर पहले से ही घायल होकर पड़ा हुआ था वो सरदार के बेटे का पैर को पकड़ लेता है, और उसी बीच जागुआर को समय मिल जाता है और वो उसके शरीर में जो तीर लगा था उसका नोक को तोड़ लेता है। और उधर सरदार का बेटा जागुआर के दोस्त को मार देता है और जागुआर को मारने के लिए उसके पास आता है। वो अपने चाकू से जागुआर को मारने ही वाला होता है कि जागुआर जो तीर का नोक को तोड़ के रखा था उसको उसके गले में गाड़ देता है और उसका मौत हो जाता है। दूर से वो कबीले वाले ये सब कुछ देख रहे होते हैं
और वो जागवार के ऊपर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन जागवार उन सब से बचता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। उस कबीले के सरदार अपने लोगों के साथ जागवार को मारने के लिए और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हैं। जागवार जंगल में भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर छुप जाता है, और कबीले वाले जो उसके पीछा कर रहे थे वो उस पेड़ के नीचे से निकल जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर जागवार छुपा हुआ था। और थोड़ी दूर जाकर उनका सरदार देखता है कि उनका एक आदमी के पीठ पर खून लगा हुआ है जो कि उसका नहीं है, और वो अंदाजा लगा लेता है कि जागवार जो कि चोटिल था वो जरूर किसी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, और उसको पकड़ने के लिए वो लोग वापस उसके तरफ भागने लगते हैं। और इधर जागवार जिस पेड़ पर छुपा हुआ था उस पेड़ पर एक चीता आ जाता है। जागवार अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और वह जानवर उसका पीछा करता है। जागवार उस तरफ भागता है जिस तरफ वो कबीले वाले गए हुए हैं, और तभी वो कबीले वालों में से एक जागवार को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उस जानवर को नहीं देख पाता है जो जागवार के पीछे भाग रहा था, और वो अनजाने में जागवार और उस जानवर के बीच में आ जाता है और वह जानवर उस कबीले वाले को मार देता है और जागवार वहां से बच के निकल जाता है। वो कबीले वाले लगातार जागवार का पीछा करते हैं, रात में भी वो मशाल जलाकर उसका पीछा करते हैं, और ऐसे ही भागते भागते जागवार एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक बहुत ऊंचा झरना होता है, और वो झरने में छलांग लगा लेता है क्योंकि यहां से तो वो शायद बच सकता है, लेकिन अगर वो कबीले वालों के हाथ लगेगा तो मौत निश्चित है। और यहाँ जागवार का किस्मत उसका साथ देता है, उसका जान बच जाता है, और वो किनारे पर आने के बाद उन कबीले वालों को ललकारता है क्योंकि जागवार अब अपने जंगल में आ चुका है, और वो बोलता है कि हिम्मत है तो आ जाओ। लेकिन वो कबीले वालों में से एक अपने सरदार को बोलता है कि हम यहाँ से लौट चलते हैं और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बच्ची जो भविष्यवाणी की थी उसका हर एक बात सच हो रहा था। लेकिन उसका सरदार उस आदमी को मार देता है क्योंकि उसको किसी भी हालत में जागवार को मारना है। और अब सब लोग एक एक करके झरने में छलांग लगाते हैं, इनमें से कुछ लोग का मौत भी हो जाता है और बाकी बचे हुए किनारे पे आ जाते हैं। जागवार वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है। बहुत मुश्किल से वो वहां से निकलता है, वो वहां थक चुका होता है, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारता है। वो खुद को बोलता है, ये जंगल तेरा है, तू कभी हार नहीं सकता। वो अपना दिमाग को शांत करता है और उन लोगों को हराने के लिए अलग अलग तरकीब आजमाता है। दूसरी तरफ जागवार का बेटा और पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है, जो पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे उस कुएं के अंदर छुपे हुए हैं, वो उस कुएं से निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उसके पास बची हुई थोड़ी सी रस्सी में वो एक लकड़ी को बांधकर ऊपर फेंक रही है कि अगर वो लकड़ी कहीं पर फंस जाए तो वो ऊपर आ सकते हैं। इस काम में वो बार बार नाकामयाब हो रही थी, लेकिन इस बार लकड़ी पत्थरों के बीच में फंस जाता है और वो धीरे धीरे करके रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसका किस्मत उसका साथ नहीं देता है। वो लकड़ी जो पत्थर में फंसा हुआ था वो वहाँ से निकल जाता है और वो फिर से कुएं में गिर जाती है। अब वो कबीले वालों को दिखाया जाता है जो कि लगातार जागवार का पीछा कर रहे हैं। अब जागवार अपना चाल चलाता है, वो मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता उनके ऊपर फेंक देता है, एक जहरीले मेंढक के शरीर में कांटा लगाकर वो उनके ऊपर फेंकता है, और वो उनमें से एक आदमी के शरीर में लग जाता है जो कि सबसे आखिर में होता है, और उसका मौत हो जाता है। जो आदमी उस आदमी के आगे जा रहा था वो इसके गिरने की आवाज़ को सुन लेता है और वो उसके पास आने लगता है, और तभी जागवार और उस आदमी एक दूसरे को देख लेते हैं, और ये वही आदमी है जागवार के पिता का हत्या किया था। फिर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के तरफ भागने लगते हैं। उस आदमी जागवार को अपने हथियार से मारने वाला होता है कि जागवार नीचे फिसलता हुआ जाता है, और उस आदमी जिसको अभी अभी जागवार ने मारा होता है उसका हथियार को वो उठा लेता है और उस आदमी के ऊपर प्रहार करता है जिसमें उस आदमी का मौत हो जाता है। और तभी बारिश शुरू हो जाता है, और बारिश को देख कर जागवार डर जाता है और कुएं की तरफ भागने लगता है क्योंकि उस कुएं में अभी भी उसका पत्नी और बेटा है। जागवार भागते भागते उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि कुएं में धीरे धीरे पानी भर रहा है
और उसके पत्नी का लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकता है, वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अभी भी तीन कबीले वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। और ऐसे ही भागते भागते जागुआर एक जगह रुक जाता है और उस कबीले का सरदार जागुआर के ऊपर तीर चलाता है और वो तीर जागुआर को लगता भी है, लेकिन जागुआर उस तीर को तोड़ देता है और वापस उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर उस कबीले का सरदार, जो अपने बेटे के कातिल को अपने हाथों से मारना चाहता था, वो धनुष को नीचे फेंक देता है और अपने चाकू निकालकर जागुआर को मारने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। लेकिन ये जागुआर का एक चाल होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में जानवर को पकड़ने वाला फंदा लगा हुआ है। जैसे ही वो सरदार का पैर उस फंदे में लगता है, तभी सामने से वो नुकीले कंटेदार वाला एक बड़ा सा लकड़ी आता है और उस सरदार के शरीर के आर पार हो जाता है और वहां पर उसका मौत हो जाता है। दूसरी तरफ जागुआर की पत्नी और बेटे को दिखाया जाता है जो कि उस कुएं में है। उस कुएं में बहुत पानी भर चुका है, पानी जागुआर के पत्नी के गर्दन तक पहुंच गया होता है और जागुआर की पत्नी अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाई होती है। तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है और इधर जागुआर भागते भागते समुन्द्र के किनारे पहुंच जाता है और अपने घुटने के बल बैठ जाता है क्योंकि वो जख्मी है और बहुत थक भी चुका है। उसके पीछे पीछे वो बचे हुए दो कबीले वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग जागुआर को नहीं मारते हैं बल्कि सब लोग समुन्द्र की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि समुन्द्र में बहुत बड़े बड़े जहाज़ों में से बाहर से बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो लोग जहाज़ों से उतरकर छोटी छोटी बोट में इसी टापू की तरफ आ रहे होते हैं और तभी जागुआर को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है और सीधे उस कुएं के पास जाता है और अपने पूरे परिवार को बचा लेता है। और आखिर में हमको ये दिखाया जाता है जागुआर अपने परिवार के साथ जंगल में जा रहा होता है। वो और उसके पत्नी समुन्द्र में लगे बड़े बड़े जहाज़ों की तरफ देखते हैं, लेकिन वो जहाज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। दरअसल वो बड़े बड़े जहाज़ों में बाहर से लोग इस टापू पर आए होते हैं और अपने साथ आधुनिक हथियार भी लाए होते हैं क्योंकि वो लोग इस टापू पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए जागुआर जहाज की तरफ नहीं जाता है। वो अपने परिवार के साथ जंगल के अंदर चला जाता है अपने एक नए शुरुआत के लिए। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसा लगा हमको कमेंट जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।